हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इंग्लिश पढ़ने का प्रथम चरण डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको बता दिया था कि इंग्लिश अल्फाबेट क्या होते हैं। ए से लेके जेड तक को इंग्लिश अल्फाबेट कहते हैं, जिसमें 26 अक्षर होते हैं। इसमें बावेल ए ई आई ओ यू, जो ये गोल घेरा हुआ है, इसको बावेल कहते हैं। ए ई आई ओ यू, इसको वावेल कहा जाता है, वावेल लेटर ए हैं। और कॉन्सोनेंट जो होते हैं, कॉन्सोनेंट ए ई आई ओ यू को छोड़ करके, ए ई आई ओ यू को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो होते हैं वो सभी लेटर कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट हमने लिख दिया ए ई आई ओ यू को छोड़कर, जितने भी बचे सभी लेटर। इसके बाद इंग्लिश लेटर का हिंदी में अक्षर जानना है, यानी कोई भी इंग्लिश का अगर अक्षर है तो उसका हिंदी में कौन सा अक्षर होगा, इसको जानने के लिए ये हमने आपको बता दिया था कि ये जो साड़ी है बड़ी छोटी सी साड़ी है और इसमें आपको याद ही नहीं करना, सिर्फ साउंड देखना, बी ब डी ड एफ जे ज के क्यू क, उसी तरह का साउंड निकल रहा है। इसमें के और क्यू में क का साउंड निकल रहा है, एल में ल का साउंड निकल रहा है, एम में म का साउंड, एन में न, तो ये ऐसे अक्षर हमने कैटेगराइज कर दिया है जिसमें आप अक्षर को पढ़ेंगे तो साउंड आपको मिल जाएगा। जब साउंड मिल जाएगा तो अक्षर आप तुरंत बता देंगे, आर र एल ल, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसमें हमको मेहनत करना है भिन्न ध्वनि वाले शब्द के यहाँ, सी से स भी होता है, सी से क भी होता है, दोनों होते हैं। तो इसमें आपको याद करना था, हमने बता दिया था कि सी के बाद आई ई वाई, सी के बाद आई ई वाई आएगा तो सी का स का साउंड होगा, सी स कब होगा, जब आई ई वाई होगा। अगर आई वाई नहीं है, दूसरा कुछ है तो क बोल देंगे, जैसे लिख दिया जाए सी ओ एम आई, तो सी ओ एम ई को हम सी को क पढ़ेंगे, क्योंकि सी के बाद आई ई वाई नहीं है तो कम पढ़ देंगे इसको। इसी तरह सी आई टी वाई है, सी आई टी वाई, तो देखिए सी के बाद आई आ गया तो अब इसको स पढ़ेंगे, इसको सी टी पढ़ते हैं, सी टी। तो ये सब आप ध्यान देंगे, आई ई वाई सिर्फ याद करना, तो सी के बाद आई ई वाई और साथ ही साथ जी के बाद भी आई ई वाई, जी के बाद आई ई वाई है तो जी का ज होगा, नहीं तो ग होगा। एच के लिए आपको याद करना है, डब्ल्यू के लिए याद करना है, वह यक्ष से लिए, यक्ष के लिए तीन अक्षर होते हैं, आधा क स और ज और छ। तो ये हमने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया था, इस बार मैं आपको दोहरा दिया हूँ, इसको आप याद कर लेंगे बढ़िया से। अब आइए, जो हमको मेन डिस्कस करना है वो वावेल की जानकारी हमको करनी है, कि वावेल से हिंदी में कौन सा, वावेल से मात्रा बनती है हम लोग जानते हैं, कॉन्सोनेंट से तो अक्षर बनता है, हिंदी का अक्षर बनता है व्यंजन, जिसको कहते हैं व्यंजन अक्षर बनता है, और कॉन्सोनेंट से हमारा स्वर बनता है, स्वर अक्षर बनता है। तो इस सॉरी बावेल से, बावेल से हमारा स्वर बनता है और कॉन्सोनेंट से अक्षर बनते हैं। चलिए, तो अब हमको ये डिस्कस करना है कि ए ई आई यू से कौन सा स्वर हिंदी में बनता है। इसको जानने के लिए हम आपको दो तरह का नियम बताएं, एक ओ वी आर, एक टी वी आर। ओ वी आर टी वी आर, ओ वी आर को कहते हैं वन बावेल रूल, इसका फुल फॉर्म है वन बावेल रूल, वन बावेल रूल। इसको हिंदी में कहेंगे एक स्वर का नियम, जब एक स्वर आएगा तो उसका नियम उसके अनुसार आपको बताया जाएगा। उसके बाद दूसरा है टी वी आर, जिसको टी को कहते हैं टू बावेल रूल, टू बावेल रूल, इसको कहते हैं दो स्वर का नियम। तो ये जो ए ई आई ओ यू है, इसका जो मात्रा है वो बदल जाता है। अगर एक स्वर आएगा तो ए को हम दूसरे ढंग से प्रोनाउंस करेंगे, दूसरे ढंग से बोलेंगे, और जब टू वावेल रूल में वही ए आएगा तो उसको दूसरे ढंग से बोलेंगे। इसलिए इस नियम को समझना बहुत ज़रूरी है, ओ वी आर क्या होता है, टी वी आर क्या होता है। ओ वी आर को वन वावेल रूल कहते हैं, एक स्वर का नियम, टी वी आर को टू वावेल रूल कहते हैं, दो स्वर का नियम। यहाँ हमें लिख दिया इसका प्रयोग कब होगा, इस नियम का प्रयोग, इसका प्रयोग जब एक स्वर वाले शब्द में होगा, इसका प्रयोग एक स्वर वाले शब्द में होगा और इसका प्रयोग दो स्वर वाले शब्द में होगा। अब इस नियम को यहाँ तक आप याद करेंगे, फिर मैं आगे आपको इसको डिटेल बताऊंगा कि कैसे इसको आगे प्रोसीड करेंगे, टू बावेल रूल को क्या कैसे जानेंगे, वन बावेल रूल को कैसे जानेंगे। थोड़ा समय एक एग्जाम्पल भी, एग्जाम्पल भी आपको दे दे रहा हूँ। तो एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हम लिख दें आर ए टी रेट, तो यहाँ एक वावेल का रूल लगेगा। इसी तरह पी आई एन पिन, एक वावेल का रूल लगेगा। और यहाँ अगर बात किया जाए, इसका एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए, तो हम जैसे कहें एम ए डी ई, तो एम ए डी में दो वावेल है, ये दो वावेल का रूल लगेगा। यहाँ देखिए ए
एक बाबेल का रूल है, यहाँ ये आया अब यहाँ ये का साउंड कुछ दूसरा होगा, यहाँ ये का साउंड कुछ दूसरा होगा, इसीलिए 1 VR और 2 VR को समझना जरूरी है। दूसरा एग्जाम्पल इसका लेते हैं, इसको लिख दिया जाए LIKE, तो यहाँ जो आई का साउंड होगा और यहाँ जो आई का साउंड होगा दोनों डिफर होगा, तो इसको हमने दो नियमों में कैटेगराइज कर दिया है। और शब्द को देख करके आप कैसे पहचान लेंगे कि 1 बाबेल रूट लगेगा कि 2 बाबेल रूट, आप गिन लेंगे। इसमें एक बाबेल है, ए ई आई ओ में से अगर एक आएगा तो यहाँ 1 VR 1 बाबेल रूट लगेगा, और यहाँ ए ई आई में से अगर 2 आएगा, देखिए ए और ई 2 ठो आ गया, ए और ई 2 ठो आ गया, यहाँ आई और ई 2 ठो आया, आई और ई 2 ठो आया, तो TVR नियम से इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसको OVR नियम से करेंगे। तो OVR और TVR आपने समझ लिया, शब्दों को देख के कैसे जानेंगे कि वो OVR वाला है कि TVR वाला है, सिर्फ हम वावेल को गिनेंगे, एक वावेल 1 बाबेल तो OVR वाला नियम लगाएंगे, फिर यहाँ 2 बाबेल 2 VR वाला नियम लगाएंगे। आज मैं यही वीडियो को बंद करता हूँ, फिर हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि 1 बाबेल पर क्या हिंदी में कौन सा स्वर प्रोनाउंस होगा, क्या होगा वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। साथ ही इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको दिक्कत ना हो, वीडियो आसानी से मिलता रहे, इसलिए विशेष करके मैं गार्जियन बंधुओं से अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि वे YouTube पर जा करके DDIC ऑनलाइन स्टडी इसको YouTube पर सर्च करके और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। ये DDIC ऑनलाइन स्टडी में आपको क्लास 1 से लेकर इंटरमीडिएट तक के मटेरियल आपको मिलेंगे, क्लास 12 तक के स्टूडेंट के लिए, हर तरह की तैयारी के लिए, यहाँ तक कि इसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल के भी मटेरियल दिए जा रहे हैं, विशेष करके साइंस के स्टूडेंट के लिए। साथ ही जो छोटे बच्चे हैं इनके लिए एक नया चैनल की शुरुआत की गई है, पी एस ऑनलाइन स्टडी, ये पी एस ऑनलाइन स्टडी ये छोटे बच्चों के लिए ये शुरुआत किया गया है, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे मटेरियल डाले गए हैं, बच्चों को खोजने में दिक्कत होगी, तो छोटे बच्चों के लिए पी एस ऑनलाइन स्टडी को यूट्यूब पर जा करके सब्सक्राइब करना, जिसमें बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, इसमें छोटे बच्चों का ही मटेरियल है, इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल है, बच्चे आप निकाल नहीं पाएंगे, तो आप पी एस ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ कोई दिक्कत होती है तो हमारा नंबर है 81-72-84-58-19, इस पर आप हमसे बात कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।